एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार शाहरुख खान, तापसी पन्नू और विकी कौशल की फिल्म डंकी 21 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को लेकर काफी बज बना हुआ है। वहीं शाहरुख खान सहित अन्य स्टार्स फिल्म डंकी के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाले इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से अब इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान और तापसी पन्नू नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में शाहरुख खान ने फिल्म डंकी के अपने कोस्टार विकी कौशल को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में राजकुमार हिरानी, शाहरुख खान और तापसी पन्नू नजर आ रही है। इस वीडियो में शाहरुख खान ने फिल्म से जुड़े किस्से बताए। शाहरुख खान ने विकी कौशल के साथ सेट से नींबू वाला किस्सा भी बताया। इसके साथ ही विकी कौशल की शादी को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया है। दरअसल शाहरुख खान ने बताया कि क्लासरूम के एक सीन में वो विकी कौशल के नींबू ब्रदर बन चुके हैं। शाहरुख खान ने कहा, लोग ब्लड ब्रदर्स बनते हैं, मैं नींबू ब्रदर्स बन चुका हूँ। बहुत प्रेम हो चुका था। एक बार तो विकी कौशल ने मुझे फोन करके बोला था कि कटरीना से मैंने जल्दी शादी कर ली, अगर शादी नहीं की होती तो मैं आपसे कर लेता। बता दें कि विकी कौशल और कटरीना कैफ ने साल 2021 के दिसंबर में शादी की थी। ये कपल्स शादी से पहले एक दूसरे को काफी समय से डेट कर रहे थे। हालांकि विकी कौशल और कटरीना कैफ ने कभी अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं की है। आपको बता दें कि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनने वाले फिल्म डंकी शाहरुख खान के अलावा विकी कौशल, तापसी पन्नू और बोमन ईरानी भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म डंकी में पहला मौका है जब शाहरुख और डायरेक्टर राजकुमार रानी ने एक साथ फिल्म की है। इसी के साथ अब शाहरुख खान के इस खुलासे के बाद से विकी कौशल जमकर वायरल हो रहे हैं, जहां फैंस अभी उम्मीदें लगा रहे हैं कि क्या विकी कौशल कटरीना से शादी करके खुश नहीं है। लेकिन शाहरुख का कहने का वो मतलब नहीं था। उन्होंने जिस तरीके से इस बात को कहा था, उसके बाद उनके चेहरे पर हंसी भी साफ झलक रही थी। हालांकि विकी कौशल और कटरीना कैफ एक दूसरे पर प्यार लुटाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दोनों ही कपल इंस्टाग्राम पर अपनी लवी डवी फोटोज भी शेयर करते रहते हैं, जिसे देखने के बाद फैंस भी उस पर जमकर प्यार बरसाते रहते हैं। इसी के साथ शाहरुख खान की फिल्म डंकी की बात करें तो इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब फाइनली 21 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने जा रही है, तो फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि शाहरुख खान के साथ ही साउथ के सुपरस्टार प्रभास भी धमाकेदार एंट्री मानने जा रहे हैं, जहां बॉक्स ऑफिस पर 22 दिसंबर को उनकी फिल्म सलार भी रिलीज होने जा रही है। तो ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर घमासान मचने वाला है और देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म बाजी मारती है, कौन सी फिल्म आगे निकलती है और कौन सी फिल्म पीछे रह जाती है। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप किस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है और शाहरुख खान के इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड केसरी।